कंप्लीट पॉलिटी के सवाल जवाब क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीडी रॉय। आज दूसरे दिन का क्लास है। पहले दिन का हमने 40 सवाल कर चुके हैं 20 मिनट में। आज भी हम नेक्स्ट 40 सवाल करेंगे। और आप जानते ही हैं कि ये जो सवाल लिए जाते हैं या तो एसएससी में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए, सीपीओ में पूछे गए, जीडी में और इस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मतलब ये किसी अपने दिमाग से बनाया हुआ सवाल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के एग्जाम में इन सवालों का रिपीटेशन या पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा होता है। और हिंदुस्तान में आज तक जितने सवालों को पूछा गया इन सब का ये संकलन है। और ये मतलब सीरियल वाइज चलेगा, जैसे पहला हमने दिया है, अभी दूसरा, कल परसों में तीसरा, इस तरह वो आता हुआ रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसका पीडीएफ फाइल दिया हुआ है जो आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ फाइल को आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। फिर इस 40 सवाल जो अभी अगला करेंगे, इसका आप जैसे जवाब जान लेते हैं, तुरंत आप प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ से अब उस सवाल का जवाब आप खुद देने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी पढ़ाई जो है 25 से 30 मिनट में 40 सवाल आपके दिमाग में एकदम सेट कर जाता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में पास हुआ था, और जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन एक बात को याद रखेंगे, 1953 में ही सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। संपत्ति के अधिकार को किसके शासन काल में हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई के शासन काल में हटाकर उसे एक सिंपल कानूनी अधिकार बना दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प अर्थात नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो हमारे देश का जो नेशनल फ्लावर है वो कमल है, कमल का फूल है। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर, यह परंपरा कहां अपनाई जाती है? तो याद रखेंगे, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर, ये जो परंपरा है वो यूके में, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में अपनाई जाती है। इंग्लिश मुकुट एक उदाहरण है। इंग्लिश मुकुट जो है वो एक नामित कार्यपालिका का उदाहरण है, और जो स्टेटस हमारे देश के प्रेसिडेंट का है तो उतना ही स्टेटस जो है वो इंग्लिश के राजा का है, मतलब ब्रिटेन के राजा का है या इंग्लिश मुकुट का है। भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड, ये याद रखेंगे, ये जो बना था 1860 में लेकिन लागू हुआ था 1862 से, तो इसको जरूर याद रखेंगे। ये स्वाधीनता के बहुत पहले से हमारे देश में ब्रिटेन द्वारा लगाया गया था भारतीय दंड संहिता। किस देश में संघीय सरकार है अर्थात फेडरल गवर्नमेंट है? तो अमेरिका, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट है। संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं। फिर भी कोई ऐसा मद हो सकता है जिसका उल्लेख किसी में भी नहीं हो, उस मद पर कानून कौन बनाएगा? उस कानून, उस मत पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है, और यह संसद में, पार्लियामेंट में से पारित होता है। जैसे हमारे यहाँ है कि सर्विस टैक्स, ये किसी मत में नहीं था, बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा ही पारित करके लागू किया गया। सुमेलित करने वाले विषयों पर एक नजर देख लें। संसद सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसको इलेक्टोरेट कॉलेज कहते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, और अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं।
लोगों के सहमति का अर्थ क्या है? देखिए, लोगों के सहमति का जो अर्थ होता है उसमें सारे लोगों का सहमति नहीं बल्कि अधिकांश लोगों का सहमति, अर्थात 67% से ज्यादा लोगों का सहमति को ही अधिकांश लोगों के सहमति को ही लोगों की सहमति बोला जाता है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तो था वो एडविन्स लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। कास्ट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया था? तो कास्ट शब्द जो है बेसिकली ये पुर्तगीज लैंग्वेज है, ये पुर्तगाल से लिया गया था, पुर्तगाली भाषा से लिया गया था। बृहत्तर भारत किसका द्योतक है? तो सांस्कृतिक एकता का द्योतक जो है वो बृहत्तर भारत है। सांस्कृतिक एकता का द्योतक जो है वो ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत है। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? संसदीय और अध्यक्षतामक, मतलब है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। तो लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के दो रूप हैं जिसका कॉम्बिनेशन है हमारा पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंशियल। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? जब सिंगल पार्टी होता है, एक दलीय राज्य होता है, तो उसमें स्वेच्छाचारी शासन होने की संभावना हुआ है। और ये देखे जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उसमें तो ये हुआ ही है। याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति पर भारत के संसद अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा ही इम्पीचमेंट या महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग का मुद्दा और कुछ नहीं केवल होगा उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया हुआ है, इसी पर उन पर महाभियोग या इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये जान लीजिएगा कि ये अरस्तु ने बोला था। अरस्तु कौन था? जो आपका अलेक्जेंडर का गुरु था। महत्वपूर्ण विषय पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए इस विधि को हिंदी में पहल बोलते हैं। जब किसी शासक को यह जानना होता है कि प्रजा किसी विषय पर क्या राय रखती है, तो उसको जानने के लिए जो उनसे जो सवाल किया जाता है, उनसे जो जवाब इकट्ठा किया जाता है, समाज के तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि क्या है? तो बोलते ये सीधा सीधा पूछा है कि समाज ज्यादा पावरफुल है कि राज्य ज्यादा पावरफुल है। देखिए राज्य के पास जो है पुलिस होता है जो दंड देने की ये होती है, समाज के पास वैसा कुछ नहीं है। इसके लिए राज्य की क्रियाशीलता जो है समाज से कहीं ज्यादा अधिक व्यापक होता है। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि या कानून बना सकती है? तो देखेंगे ये जो स्पेशल सिस्टम है ये जम्मू और कश्मीर का 370 के आधार पर है कि वहां के राज्य में केंद्र को कोई कानून बनाना है तो वहां के राज्य के सरकार से परमिशन। धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्म निरपेक्ष उस राज्य को कहते हैं जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मतलब नेशनल फ्लैग के मध्य में स्थित जो धर्म चक्र है उसका रंग क्या है? उसका रंग नीला है या इंग्लिश में बोलें तो नेवी ब्लू है। चुनाव चिन्हों में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? देखिए ये तीन है। जैसे हाथी आपका असम गण परिषद का भी चिन्ह है, सिक्किम संग्राम परिषद का भी चिन्ह है और मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी का भी चिन्ह है। उसी तरह साइकिल तेलुगु देशम का भी चिन्ह है, समाजवादी पार्टी यूपी की भी चिन्ह है और पैंथर्स पार्टी उनका भी सिंबल है। उसी तरह है तीर कमान अकाली दल बादल का जो है उनका भी सिंबल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सिंबल है और शिवसेना का भी सिंबल तीर कमान ही है। उसी तरह लायन या शेर को ले लीजिए तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का भी शेर है और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का भी जो चिन्ह है वो भी लायन या शेर ही है।
संविधान के संकल्पना अर्थात प्रियम्बल का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। तो संविधान का संकल्पना सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। देखिए ये जो है विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में बना हुआ था, जिसके अंतर में जो अंतरजातीय विवाह मतलब अपने कास्ट में नहीं होकर दूसरे कास्ट में शादी करने की मान्यता दिया गया था, लेकिन उस वक्त बोला गया था कि ये विवाह जो है जिला अधिकारी के समक्ष में होगा और दोनों पक्ष की व्यवस्था निवास स्थान आदि का प्रमाण पत्र भी देना होगा। वेलकम टू डीडी एकेडमी। फर्स्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन। After you will get every video update notification. किसका सिद्धांत है? व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। तो ये जान लीजिएगा कि ये संवैधानिक सरकार का नियम है। जहां पर भी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें बोला जाता है कि व्यक्ति जो भी कुछ भी हो कोई भी आए, लेकिन नियम जो है वो उनके संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होना चाहिए, व्यक्ति के आधार पर नहीं। शब्द है चौथी सत्ता या फोर्थ स्टेट। इसका प्रयोग किसके लिए होता है ये हम भी जानते हैं। प्रेस और समाचार पत्र के लिए फोर्थ स्टेट या चौथा सत्ता जो है ये शब्द प्रयोग होता है। सर्वोच्च संप्रभुता या अल्टीमेट सोवरेनिटी किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य का। राज्य मतलब यहां देश से है, तो सोवरेनिटी किसका है अल्टीमेट? वो है राज्य का अर्थात देश का। प्रजातीय भेदभाव अर्थात जाति जन्म स्थान इन चीजों के आधार पर जो भेदभाव है वो सामाजिक समानता और सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय के सिद्धांत का विरोध करता है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष का हो। 14 वर्ष के बाद ही किसी को कहीं पर भी चाय की दुकान हो या आपका कारखाना हो नियुक्त किया जा सकता है। दलबदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो देखिए संविधान के 10th शेड्यूल में दिया गया है और 1985 में इसमें 52nd अमेंडमेंट 52वें अमेंडमेंट में इसमें फेरबदल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो अजीत जोगी जी थे जो 2001 में आए थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण तथा कार्य प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये कहां लागू चलता है? स्विट्जरलैंड में ये लागू है। समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? विधि क्षेत्र में अर्थात कानून बनाने के क्षेत्र में कानून के द्वारा वो समानता के अधिकार को लागू करने के लिए वकालत करते हैं। मत देने का अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार ये एक सिंपल राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है। क्रीमी लेयर इस संकल्पना से क्या तात्पर्य है? देखिए जब आर्थिक स्तर के ऊपर इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर पूरा वर्गीकरण होता है तो सबसे ऊपर वाले वर्ग को जो है क्रीमी लेयर बोलते हैं, जो समाज के सबसे संप्रभुता या संपन्नता वाला स्तर होता है। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो देश की कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है वो देश का सबसे बड़ा कानून माना जाता है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन का कार्य किया था? कार्ल मार्क्स को जब जर्मनी से निकाल दिया गया था तो वो लंदन चले आए थे। लंदन में उन्होंने आके अपना जो सबसे जो ये किताब है वो दास कैपिटल उसको उन्होंने पूरा किया था। 13वीं लोकसभा में चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या किस क्षेत्र में किस जगह सबसे ज्यादा था? तो ये था बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली जो 13वीं लोकसभा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या वहीं पर था। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है,
तो मतलब विधान की जो प्रभुसत्ता है, विधान बनाने की जो प्रभुसत्ता है, वो संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपालिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। क्या सुनिश्चित होता है? बहुसंख्यक शासन, मतलब बहु लोगों को हर भारतवर्ष के हर क्षेत्र से आकर शासन विधि प्रक्रिया में शासन करने में सहभागी होने का अवसर मिलता है। ये जो है आपका आनुपालिक प्रतिनिधित्व पद्धति के कारण होता है। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। शासन के एकात्मक पद्धति का लाभ, तो एकात्मक पद्धति के तो लाभ से ज्यादा नुकसान ही ज्यादा है, लेकिन लाभ एक है कि दृढ़ राज्य बनता है। निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा घटक नहीं है? तो जान लें, सेना जो होता है वो राज्य का घटक नहीं होता है। राज्य का घटक मतलब राज्य को बनने के लिए क्या क्या चीज जोड़ी होता है? जनसंख्या पॉपुलेशन जोड़ी होता है, भूमि लैंड जोड़ी होता है, गवर्नमेंट जोड़ी होता है और प्रभुसत्ता सोवरेंटी का जरूरत होता है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पे संभालेंगे? देखिए लोग इसमें भारत के राष्ट्रपति का पे बोलते हैं, लेकिन ये तो एक बोलने के लिए, लेकिन आर्टिकल 75 के क्लॉज नंबर 2 के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री को रिजेक्ट भी कर सकता है, पदच्युत कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्राइम मिनिस्टर के सलाह को मानना बाध्य होता है। इसलिए क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के इच्छा के ऊपर ही मंत्री रहते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है कि स्थानीय हितों की अपेक्षा जो लोकल जो प्रॉब्लम्स है वो संघीय प्रकार के शासन ठीक से संभाल नहीं पाते हैं। तो स्थानीय हितों की उपेक्षा। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? देखिए, आबादी पॉपुलेशन राज्य का अनिवार्य तत्व है, प्रभुसत्ता सोवरेंटी अनिवार्य तत्व है, एरिया लैंड अनिवार्य तत्व है, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ये अनिवार्य अंग नहीं है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? हर कोई जानता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक के पास है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो देखिए, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह के इमरजेंसी का प्रावधान है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण से, दूसरा है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने से, मतलब गवर्नमेंट को अगर बहुमत खत्म हो जाता है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल क्राइसिस। ये तीन चीज